तो यहाँ पे लड्डू का नाखून कटाई हो रहा है। लड्डू थैंक यू। मुझे लगता है कि लड्डू के नाखून मैं दूसरी बार काट रहा हूँ जब से लड्डू मेरे साथ है। हम लोग के साथ है जब से पैदा हुआ है। अपना ही नहीं काट पाते हैं। देख सकते जिनका नाखून देख सकते मैं काटती हूँ इसका, फिर ये बोलते मेरा भी काट दो। Hey everyone, welcome back to my channel Suchi Pradeep #Cartoon12। तो नाम चेंज हो चुका है और आप लोग मुझे देख रहे हो कि पुरानी कपड़े में। तो पुराना कपड़ा इसलिए है बिकॉज हम लोगों को जब घर जाना था हमने शिफ्ट किया था और कोई भी सामान अनपैक नहीं किया है घर से जब से आई हूँ। तो जो कपड़े ऊपर मिल रहे वही पहन के आ रही हूँ और अभी मैं आई हूँ मूवी देखने के लिए और लोअर और टी शर्ट पर आई हूँ। हमेशा जीन्स पहन ले रहे हैं लेकिन मेरे को बोला ना चलो चलो कोई बात नहीं है। तो अभी मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग का हाय एवरीवन, हेलो हाय एवरीवन, हाय हाय, हेलो एवरीवन, हेलो, मास्क लगाओ जल्दी। सो गाइस वो बोल रही है सिक्योरिटी गार्ड की मास्क कंपलसरी है और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं सिंदूर नहीं लगाई, सिंदूर लगाई हूँ, हेयर वॉश के इसके बाद सारे वो आ जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग आए हैं लास्ट मूवी अपना कोयम्बटूर का देखने जो कि है KGF 2। और हम लोग देखेंगे हिंदी में, वैसे तो तेलुगु तमिल सारे लगे हुए हैं लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों ने हिंदी का टिकट लिया है, हिंदी देखेंगे। और बस देखते हैं मूवी कैसी होगी। आईनॉक्स में हम लोग आ चुके हैं और ये नियरेस्ट मॉल है हमारे घर से, मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है लेकिन हमारी स्कूटी है तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली अब हम लोग 2-3 दिन के अंदर निकल जाएंगे यहाँ से बहुत दुख के साथ क्योंकि अब इतना आदत हो गया था जब से शादी हुई थी यहीं पे आए थे, फिर लड्डू भी यहीं पे मतलब कंसीव वगैरह हुआ, फिर हर एक इमोशन जुड़ा हुआ है यहाँ से। बट लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो उसके लिए मूव ऑन करना पड़ता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा था, लास्ट टू लास्ट यानी कि जब अनाथ आश्रम वाला वीडियो डाला था उस पर बहुत अच्छा व्यू था लेकिन बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये शो ऑफ एंड जो भी ट्रेंड। तो मैं ये बता दूँ जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी हम लोग गए हैं अनाथ आश्रम और ये भी इंडिविजुअली गए हैं। और अभी एक्चुअली हमारे ओनर भी नहीं थे इधर, हमारे मतलब फैमिली जैसा जो होता है ना वैसा कुछ भी नहीं था और सारा सामान पैक है, मतलब ऐसा हम लोग अभी वैसे है ना कि शिफ्ट करना है तो मूड बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था और हम लोग नहीं चाहते थे बर्थडे स्पॉइल हो। कुछ टाइम हमने एक दूसरे के साथ भी स्पेंड किया, लड्डू के साथ स्पेंड किया, बहुत सारे उसको गेम्स भी खिलाए और उसके बाद हम लोग गए थे अनाथ आश्रम। तो हम लोगों का पहले से ही कुछ प्लान था, बर्थडे के दिन का नहीं था लेकिन ऐसे प्लान था कि कभी जब भी कोई टेम्पल बने या फिर ज़रूरतमंद को चाहिए तो हम लोग कुछ डोनेट कर पाए। ऐसा नहीं कि हमारे पास घर भर के लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ा तो हेल्प कर सकते हैं। तो अब आप लोग ये मत सोचो शो ऑफ कर रहे, शो ऑफ करना होता तो आई थिंक बहुत बड़ा 5-स्टार होटल है और यहाँ पे तो बहुत ही बड़े बड़े होटल्स हैं, रेडिसन ब्लू है, बहुत सारे होटल्स हैं। हम लोग वहाँ बुक करके अपना आराम से इंजॉय करते या कहीं वेकेशन पर जाते शो ऑफ के लिए, लेकिन हम लोगों को सिंपल रखना था प्लस हम लोग भी चाहते लड्डू की कुछ लर्निंग हो। 75 लोग मिलके एक साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, प्रे कर रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा है। आप लोग भी हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढो। तो अभी बंद करते हैं इस बात को, हम लोग चलते हैं मूवी देखने। हमारा जो स्क्रीन है वो अभी मेंटेनेंस के अंदर है तो मैं सोचा चलो शूट कर लूँ, वैसे मैं बहुत बार भूल जाती हूँ। बीच में हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे फिरे मतलब इधर ही काम से ही, तो डिनर वगैरह करके हम लोग आए हैं। लड्डू भी सोया था तो लड्डू खा के आया है अभी अपना कर्ड राइस एंड बस अब चलते हैं मूवी देखने के लिए। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। उसे KGF भेजा था गड़ा को मारने लेकिन वो गया था KGF पे राज करने। उसके लिए पहले गड़ा को मारना था, राज से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था। Hey everyone, तो अभी मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया, यहाँ का कुछ सफाया किया है, बुक्स उठा करके इसमें पैक किए हैं, ये कपड़े सब मैं फोल्ड करके रखी हूँ बट इनको अभी वो करना है।
रखना है किसी बैग में या कार्टून में जिसमें भी पॉसिबल हो, पर बाल मैंने झाड़ा भी नहीं। आज थोड़ा बिजी रह गए, यहाँ सामान आप लोग देख सकते हैं सब डिस्कार्ड करने वाला, अभी मैं डिस्कार्ड करने वाला अलग करूँगी और जो भी ले जाने वाला है वो सब एक जगह स्थिर कर दूँगी, अच्छे से पैक करना है इन सबको। ऊपर पूजा पाठ वाला सामान है, वहाँ पे गीता है, भगवत गीता है, और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें, शंख वगैरह आप देख सकते हो, ये पूजा पाठ का ही है। तो ये सब अभी मैं खाली करूँगी और मैं बैग भी सेट करूँगी। यहाँ बहुत सारा सामान, मतलब कि सब कुछ जाएगा, फ्रिज वगैरह सब। तो अभी मैं कंबल वगैरह धोई हूँ, बहुत सारे कपड़े पहले डाल दिए हैं, पीछे के कपड़े मैंने सारे उठा करके यहाँ पे धुल दिए कि अब सब लेके जाना है। यहाँ कुछ कपड़े मैंने आयरन करके रखे हैं, ये लड्डू के पापा का है जो कि कल वो पहनेंगे क्योंकि कल उनका मीटिंग है ऑफिस का और अभी ये टीम लीड कर रहे हैं तो इनको ही प्रेजेंट करना है, तो इनका कपड़ा मैंने आयरन किया है। और ये लड्डू के कुछ कपड़े हैं जो बर्थडे पे उसने पहना थे, तो सारे कपड़े आयरन किए हैं, बिकॉज आयरन हो जाता है तो जाना जाती है। पीछे देख सकते हो कपड़े कितने हैं, सारे कपड़े हैं यहाँ पे। मेरे को ये ड्रेसिंग भी अभी क्लीन करके और सबको हटाना है, सामान पैक करना है, अलमीरा का सामान भी सब पैक करना है। ये सब पता नहीं कैसे होगा, आज और कल का ही टाइम है। मे बी आप जब व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन हम लोग जा ही रहे होंगे, क्योंकि ये व्लॉग कल आएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल आएगा, और परसों हम लोग जाने वाले हैं। तो कैसे कैसे होगा वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और कहाँ रहने वाले हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहो व्लॉग में आप लोग, और खूब सारा प्यार। तो मैं भी यहाँ पे एक्चुअली सॉन्ग प्ले कर दे रही हूँ और उसके बाद से स्टार्ट करूँगी। ये वाला तो थोड़ा खाली है क्योंकि फ़ोटोज़ फ्रेम ही लगाए थे, तो ये सब इकट्ठे करूँगी और उस शेल्फ का इकट्ठे करूँगी, बाकी सब झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी तो वो इकट्ठा हो जाएगा। तो बने रही व्लॉग में, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ की पैकिंग कर लेती हूँ कुछ, और जो भी चीज़ें मुझे कैरी करके लेके जाना है वो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। एंड हम लोग ट्रक में नहीं जा रहे हैं, मतलब कि जो सामान जाएगा वो लॉरी से जाएगा, बट हम लोग अपना ट्रेन से जाएंगे और सेम टाइमिंग में ही पहुँचेंगे हम लोग। तो मैं जाती हूँ अपना ले जाने वाला सामान अलग करती हूँ, बिकॉज़ हम लोग नहाएंगे धोएंगे भी, तो वो सब चीज़ अलग करते हैं और जो भी चीज़ बाद में यूज़ का है वो सब इकट्ठे करेंगे। तो